नहीं खेलेंगी या पहली इनिंग्स बॉलिंग अच्छी तो दूसरे में फ्लॉप। मगर बांग्लादेश ने दिखाया कि नहीं, उनके एक तो टेम्परमेंटली स्ट्रांग दिखे और फिर उसके बाद पाकिस्तान को पहली दफा पाकिस्तान में हरा गए। सो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस और उनको बहुत मुबारक हो। मगर पाकिस्तान ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस विन पे बांग्लादेश के लिए, इसलिए कि सिलेक्शन खराब, स्पिनर के बगैर आप चले गए, उसके बाद बैटिंग फिफ्थ डे के ऊपर तो सीधी साधी पिच के ऊपर घबराहट का शिकार और लेने के देने पड़ गए। कहां से नोचे अब तो जगह ही खत्म हो गई है, कहां से फाड़े अपने आप को जगह खत्म हो गई। अबे ये फटी भी पजामे साले, ये कभी भी पाकिस्तान को ऊपर ले चली जाएंगे, इनके पैसे काटो मौत से लग गए। ये जिल्लत के बीरार है, जिल्लत की दुकान है। तुमने हाथ जोड़े थे इनके लिए, 24 करोड़ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे मोहसिन नकवी, बाहर करो ऐसी की तहसीन को। शर्म आ रही है अभी, अभी भी शर्म नहीं आ रही, ये अभी थोड़ी सी शर्म दिलाऊं मैं सबों को। इस हार में आपका कप्तान, आपका कोच, पूरा कोचिंग स्टाफ, अजहर महमूद, जेसन गिलेस्पी, जितने भी आपके प्लेयर, चाहे बॉलिंग चाहे बैट्समैन जो भी हो, सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। बोल रहा हूँ पांचवे दिन स्पिन होगी, बजा के फेंक देगा। शान को नहीं पता था ना, वो ये कह रहे हमने सोचा नहीं था, हम तो अबे नहीं पता उसको, किसी बुजुर्ग इलेवन की कप्तानी क्यों नहीं दे देते? कह रहा एक दूसरे को उठाएंगे अब हम। अबे मैं क्यों उठाऊं, ये जिल्लत है। अल्लाह उठा ले तुम लोग, मेरा दिल नहीं चाह रहा यार। उठा ले इनको, ए मेरे अल्लाह उठा ले इनके साथ। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद और पूरी नेशन को बांग्लादेश की, और ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। पूरी नेशन को इस क्रिकेट टीम पे प्राउड फील होना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की है और ये अरसा याद रखेगी, हम में तो याद रहेगी। हम 92 की भी हार भूले नहीं है और 2024 का टेस्ट मैच ये वाला पिंडी वाला कभी भूलेंगे नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट का दानिश एक ऐसा दौर चल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट एक नए लो पे है। मैंने पाकिस्तान की टीम इससे नीचे कभी भी नहीं देखी। उन्होंने जो क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान को पाकिस्तान के ग्राउंड पर आउट क्लास कर दिया। ये रेडियो लगा के देनी चाहिए, जो ये नहीं है फ्रूट वाली, ये रेडियो लगा के देनी चाहिए। इतनी इतनी तनख्वाहें ले रहे हमारे, ये जज्बात के साथ खेलते, ये नहीं पता हमारे साथ क्या होता क्या नहीं होता, ना हमारी अच्छी परफॉर्म हो बैटिंग कर रही है ना बोल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी स्पोर्ट्स कैपिटल के एक नए वीडियो में। दोस्तों बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच, बांग्लादेश ने बहुत ही बुरी तरह से पाकिस्तान को हराया है और यह मैच 10 विकेट से अपने नाम किया है, जिसको देखकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया बांग्लादेश की टीम को, सॉरी पाकिस्तान की टीम को गाली दे रही है। वहीं जो पाकिस्तानी मीडिया है दोस्तों, वो भी पाकिस्तान की टीम को जमकर रेल लिया है। और दोस्तों अब रमी जजा, तनवीर अहमद जैसे लोग भी अब पाकिस्तान को जिस तरह से भर भर के गाली दे रहे हैं दोस्तों, जिसको देखकर पाकिस्तान की जो शर्मिंदगी है दोस्तों वो एकदम नीचे हो गई है। और दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की टीम क्रिकेट खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। अब पाकिस्तान की टीम क्रिकेट नहीं बल्कि तमाशा कर रही है, तो अब पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। और दोस्तों जो बांग्लादेश की टीम है दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान को पाकिस्तान में नहीं हरा पाएगी, पाकिस्तान अपने घर में बहुत ही अच्छा खेलेगी। लेकिन दोस्तों जिस तरह से बांग्लादेश ने बैटिंग की है, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी, दोनों तरह से बहुत ही आउट क्लास करके रख दिया और पाकिस्तान को इस मैच में घुसने ही नहीं दिया, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया यही कह रही है कि बांग्लादेश जैसी टीम अब तुमको पेल के जा रही है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जब आएंगी तो तुम्हारा क्या होगा, WTC में तुम्हारा क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इसमें रो रो कर उनका बुरा हाल हो चुका है और घंटे के किंग बाबर आजम को भी जमकर रेल है और पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा रेल है। तो दोस्तों आगे और भी देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन आता है, इसलिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन आता है। बोल रहा हूँ पांचवे दिन स्पिन होगी, बजा के फेंक देगा। शान को नहीं पता था ना, वो ये कह रहे हमने सोचा नहीं था, हम तो अबे नहीं पता उसको, किसी बुजुर्ग इलेवन की कप्तानी क्यों नहीं दे देते? कह रहा एक दूसरे को उठाएंगे अब हम। अबे मैं क्यों उठाऊं, ये जिल्लत है। अल्लाह उठा ले तुम लोग, मेरा दिल नहीं चाह रहा यार। उठा ले इनको, ए मेरे अल्लाह उठा ले इनके साथ। कह रहे एक दूसरे को पाकिस्तान लगा हुआ इनके साथ, मेरा जीना आराम कर दिया दोपहर से। पाचे भाई शो कर ले, पाचे भाई शो कर ले। अबे इन पे शो करने से अच्छा मैं फुटबॉल पे शो कर लूं। इन जनाजों पे क्या लिवरपूल और ब्रेंटफोर्ड का बता दे आदमी, चेल्सी का मैच था उसका बता दे आदमी, यार इन लांतियों पे काम करके अपने तो हमारा तो पूरा जिद। बांग्लादेश की डोमेस्टिक का बता दे, कसम इनकी हार से डर लगता है कि हम अपना हाल क्या करेंगे। कहां से नोचे अब तो जगह ही खत्म हो गई है, कहां से फाड़े अपने आप को जगह खत्म हो गई। अबे फटी भी पजामे साले, ये कभी भी पाकिस्तान को ऊपर ले चली जाएंगे, इनके पैसे काटो मौत से लग गए। ये जिल्लत के बीरार है, जिल्लत की दुकान है। तुमने हाथ जोड़े थे इनके लिए, 24 करोड़ तुम्हारे आगे हाथ जोड़े मौत से लग गए, बाहर करो ऐसी की तहसीन को।
बच्चे जो डोमेस्टिक में घुसे हुए पिछले 3-4 सालों से जिल्लत और रुसवाई का सबब बने हुए, तुम्हारे मजे लगे ना 5-5-6 अरब के तुम स्टेडियम बना रहे हो, इन ढक्कनों की सर्जरी करो वरना बांग्लादेश को सेकंड टेस्ट में छोड़ दो, पूरा चढ़ के पेल पाल के इसकी सर्जरी करके नाक बोल निकाल के आगे पीछे करके चले जाएंगे। अबे तुमने जिल्लतों का क्या ठेका लिया हुआ, हमने इनकी जिल्लतें उठा लेगा, साला कह रहा है कल तुम्हारे किंग का अंजाम भी बता दिया था कि नाहिद राणा पे आउट होगा, ठीक नहीं खेलेंगी या पहली इनिंग्स बोलिंग अच्छी तो दूसरे में फ्लॉप, मगर बांग्लादेश ने दिखाया कि नहीं उनके एक तो टेम्परमेंटली स्ट्रॉन्ग दिखे और फिर उसके बाद पाकिस्तान को पहली दफा पाकिस्तान में हरा गए, सो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, उनको बहुत मुबारक हो, मगर पाकिस्तान ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस विन पे बांग्लादेश के लिए, इसलिए कि सिलेक्शन खराब, स्पिनर के बगैर आप चले गए, उसके बाद बैटिंग फिफ्थ डे के ऊपर तो सीधी साधी पिच के ऊपर घबराहट का शिकार और लेने के देने पड़ गए, अपने डिक्लेयर की इनिंग, सोचा कि आप मैच को काबू में रखेंगे, मगर टेस्ट क्रिकेट जो है ये हंसाती भी है और बहुत दफा रुलाती भी है, सो कहां पे गलती है? देखिए पहले तो सिलेक्शन में गलती है इसलिए कि आप स्पिनर के बगैर चले गए, दूसरे फास्ट बॉलिंग की जो रेपुटेशन के ऊपर आप इनको खिलाए जाते हैं वो एक तरह से खत्म हो गई है वो रेपुटेशन, और ये एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में खास तौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है वो वहां से शुरू हुआ है, जो भारत के अगेंस्ट मैच था, सीमिंग कंडीशंस में धुलाई हुई हमारे फास्ट बॉलर्स की, और फिर सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी कि इसकी रेपुटेशन है, क्योंकि स्पीड सबकी कम हो गई है, फिर उसके बाद स्किल लेवल है नहीं है, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर ज्यादा पेनिट्रेटिव दिखे, हमारे बॉलर जो थे वो ज्यादातर विकेट लेने के बाद जो है वो एक विकेट को एंजॉय करने के चक्कर में होते हैं, एक ड्रामा बनाने के चक्कर में होते हैं, रात दिन के परफॉर्मेंस के थ्रू वो अपनी धाक बनाए, स्पीड सबकी कम है, ऐसी पिच के ऊपर अगर आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर नहीं है और एक ही तरह के 125-30 के फास्ट बॉलर हैं तो बांग्लादेश जैसी शर्म आ रही है, अभी भी शर्म नहीं आ रही, ये अभी थोड़ी सी शर्म दिलाऊं मैं सबों को, इस हार में आपका कप्तान, आपका कोच, पूरा कोचिंग स्टाफ, अजहर महमूद, जेसन गिलेस्पी, जितने भी आपके प्लेयर चाहे बॉलिंग चाहे बैट्समैन जो भी हो, सब इन्वॉल्व है इसके अंदर, इन सब की वजह से पाकिस्तान की टीम आज बांग्लादेश से मैच हारी, और इतना शर्म का मुकाम है कि मतलब हजम नहीं हो रही ये चीज़ कि हम बांग्लादेश से ये मैच हार गए, ये वो बांग्लादेश की टीम जब पाकिस्तान आई, ओ जी बिल्कुल नॉर्मल टीम, ओ जी यूं है, ओ जी वो है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा इनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, किसी ने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान आए हैं जो यंग टीम होती है जिसके पास इतना टैलेंट नहीं होता वो मुश्किल डाल सकती है किसी भी टीम में, और पाकिस्तान जैसी कंडीशंस में स्पिनर्स तो वैसे ही उनके पास अच्छे हैं, वो कहीं ना कहीं मुश्किल डाल सकती है, मतलब मेरे से ज़्यादा कसम से शर्म का मुकाम है ही नहीं आज, इतने बड़े बड़े बातें करते थे ये सारे और मतलब जलील करवा के रख दिए इन लोगों ने, माफ़ी के साथ मैंने वर्ड यूज़ किया, जलील करवा के रख दिए इन लोगों ने आज, अपने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग देख लो पहली इनिंग में और बांग्लादेश की बॉलिंग देख लो आज जब गेम स्टार्ट हुआ है, एक आउट था पाकिस्तान का, पहले सेशन में 5 विकेट्स गिर गए, फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग देख लो, कौन से बड़े कोई 150 पे बॉल कर रहे हैं सिवाय वो राणा के, नाहिद राणा के, दोनों फास्ट बॉलर जो हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर राइट आर्म फास्ट बॉलर जो हैं उनके, ठीक है, क्या जबरदस्त लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग की विद एफर्ट के साथ, उनकी पेस 135-136 इतनी थी, लेकिन आप ये देखो उनकी लाइन लेंथ देखो, उनका बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो रहा था, उनकी बॉलिंग से ये नजर आ रहा था, उनके भागने से ये पता चल रहा था, उनके जान लगाने से ये पता चल रहा था, बेशक उनकी जितनी भी स्पीड। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो पाकिस्तान की टीम को गाली दे रही है, खासकर दोस्तों तनवीर अहमद भी अब पाकिस्तान की टीम पर बहुत ही गुस्सा हो रहा है, वही तनवीर अहमद जो दोस्तों श्रीलंका से भारत की टीम हार गई थी, तो श्रीलंका भारत का बहुत ही मजाक उड़ा रहे थे, बता रहे थे कि भारत की सीनियर टीम जाके वहाँ हार गई है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से भारतीय टीम की उस समय गेंद बल्लेबाजी फ्लॉप रही थी, लेकिन
दोस्तों भारतीय टीम वापसी करना कभी भी नहीं भूलती है, और दोस्तों खासकर भारतीय टीम अपने घर में इस तरह से कभी नहीं हारती, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान तो इस तरह से हारती है कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हैं। जहाँ दोस्तों पाकिस्तान की टीम की हार देख कर दोस्तों अब रमी जजा और दोस्तों तनवीर अहमद जैसे लेकर दोस्तों वस्से हबीब भी बहुत ज़्यादा अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस तरह से हमारी टीम खेल रही है ये अपने आप में नहीं बल्कि पूरे मुल्क 24 करोड़ आवाम में ये ना कटवा दी है उनका कि जिस तरह से खेल रहे हैं। जी दोस्तों बाबर आजम से लेकर पूरी पाकिस्तान की टीम एकदम निकम्मी हो चुकी है और दोस्तों पाकिस्तान का एकदम बेइज्जती करवा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।